सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉगर। मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज पहले मैंने आपको कुछ व्लॉग्स पहले आपको मोरिंडा जंक्शन का रेलवे स्टेशन दिखाया था और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला यहाँ पर एक और स्टेशन है, तो आज मैं आपको वो स्टेशन एक्सप्लोर कराने जा रहा हूँ। बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कितना दूर है वो यहाँ से, और उस स्टेशन का नाम है न्यू मोरिंडा जंक्शन। वैसे उसकी ओपनिंग हो गई थी 2006 के आसपास, पर वो इतना एक्टिव नहीं है, वो आपको जाके पता लग ही जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर और एक्सप्लोर करके आते हैं उसे। ये है न्यू मोरिंडा रेलवे स्टेशन जो कि आउटस्कर्ट्स में है। बेसिकली मोरिंडा टाउन से 2 किलोमीटर दूर है। बस यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो 2 बेसिक लाइंस चलती हैं वो है सरन टू दौलतपुर चौक और चंडीगढ़ टू सानेवाल लुधियाना वाली, ये 2 लाइंस यहाँ पर चलती हैं। और यहाँ पर एवरेज फुटफॉल डेली का 100-150 बंदों का रहता है और बेसिकली यहाँ से वो जाते हैं जिन्होंने ऑफिस वगैरह जाना हो और पार्किंग में अपनी 2 व्हीलर खड़ी करके यहाँ से ट्रेन लेके अपने ऑफिस की तरफ को रवाना हो जाते हैं वो। और ये लाइन टोटली अलग है, अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, चंडीगढ़ टू दिल्ली या कहीं से भी दिल्ली जा रहे हो आप, या आपको आगे जाना है कहीं मुंबई वाली साइड जाना है, तो आपको वो जो पुराने मोरिंडे वाली लाइन है वही जाएगी लेके। और ये न्यू मोरिंडा इतना एक्टिव नहीं है यहाँ पर, अभी मेरे अलावा 3 ही लोग हैं। अब 3 में से भी देख लो कितने जाने वाले होंगे कितने नहीं। और बिल्कुल शांत है यहाँ पर और फुट ओवर ब्रिज भी है यहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह नहीं है। इसे देख के मुझे पुराना अपना मोहाली वाला स्टेशन याद आता है, ऐसा ही था कुछ जब वहाँ पर ट्रेन जब बढ़ी और लाइंस बढ़ी वहाँ पर ज़्यादा, तो लोग आने शुरू हुए और वहाँ की रेनोवेशन भी होती रही। पर बढ़िया, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में 2 रेलवे स्टेशन होना कोई छोटी बात नहीं है, जैसे न्यू मोरिंडा हो गया और एक मोरिंडा जंक्शन हो गया, और ये भी जंक्शन है। तो बेसिकली जंक्शन वो होता है जहाँ पर 2 लाइंस क्रॉस करती हैं, ये भी जंक्शन है। और वो जो पहले वाला दिखाया था आपको मोरिंडा रेलवे स्टेशन, वो भी जंक्शन था। तो काफ़ी खूबसूरत है, आ सकते आप यहाँ पर। तो मैंने सोचा आप लोग को एक बार यहाँ के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। अभी यहाँ पर बात कर ही रहा था कि कम ट्रेन आती हैं, वो सामने से एक ट्रेन आ रही है और मात्र 2-3 लोग हैं जो कि उस साइड आपको बिल्कुल दूर उस साइड आपको दिख रहे होंगे, बाकी तो यहाँ पर अपनी बकरियाँ वगैरह को चारा खिलवा रहे हैं या गिर ट्रेन। ये ट्रेन भी रुकेगी नहीं यहाँ पर, बस क्रॉसिंग है। यह पश्चिम एक्सप्रेस मुंबई टू अमृतसर वाली, अगर ये आपको लेनी है तो मुंबई वाली पश्चिम एक्सप्रेस ये मोहाली से जाती है और शायद मोरिंडा रुकती है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर मोहाली तो रुकती है। इसमें मैंने ट्रैवल करा हुआ है पश्चिम एक्सप्रेस में, बहुत बढ़िया स्लीपर क्लास है। अब इसके ऊपर मेरा व्लॉग भी है वो आप देख सकते हो, पर उच्च कोटि की ट्रेन है, यहाँ नहीं रुकेगी है, ये रुकेगी मोहाली या मे बी मोरिंडा भी रुकती है, पर मोहाली तो कन्फर्म है। वैसे काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये स्टेशन आता है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन के अंडर, जो कि नॉर्दर्न रेलवे वो डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि हमारे यहाँ पर जो पंजाब वाले साइड के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन हैं वो उसी के अंडर आते हैं। सो गाइस मुझे तो बढ़िया लगता है आप लोग को ऐसी नई नई जगह दिखाना, कुछ चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाना, पर आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। अगर आपको व्लॉग या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, उसे शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अच्छी चीज़ देख रहे हो तो आपके जानकार भी अच्छी चीज़ देखें और सब्सक्राइब करा दिया करो। जैसे कोई मिले आप दुकान पर गए, मान लो अंकल जी दूध है, हाँ देना 2 पैकेट, अंकल एक फ़ोन दिखाना, फ़ोन लिया, सर्च करा यूट्यूब पर वायरल रिचार्ज, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबा दो, उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बड़ा ईजी स्टेप है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।